सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट के ऐसे टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन जो दोस्तों आपको इंडियन मार्केट में 12,000 रुपए से भी कम की कीमत में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन बेस्ट गेमिंग और बेस्ट कैमरा क्वालिटी की कैटेगरी से आते हैं, तो इसलिए दोस्तों आज की वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि अगर मैं भी कोई स्मार्टफोन लेता तो भी मैं इन्हीं तीनों में से एक स्मार्टफोन परचेस करता अगर मैं 12,000 से नीचे की कैटेगरी से लेता। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कौशिक, आप देख रहे हैं टेक स्टोरी यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो लिस्ट की दोस्तों फटाफट शुरुआत करें, उससे पहले दोस्तों इसी वीडियो की एक बात मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको एक 5G स्मार्टफोन भी देखने को मिलेगा। अगर आप 5G की तलाश में हैं तो भी इच्छा आपकी इसी वीडियो में आज पूरी होने वाली है। तो लिस्ट का दोस्तों सबसे पहला स्मार्टफोन हमारा रियलमी की ब्रांडिंग के साथ आता है, रियलमी C55। अब दोस्तों ये एक लेटेस्ट फोन है, क्योंकि लॉन्च 21 मार्च 2023 को हुआ था। आउट ऑफ द बॉक्स से लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 के ऊपर रन करता है, और साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंच की एक फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है विच 90Hz रिफ्रेश रेट। साथ ही अगर इसमें प्रोसेसर की बात करें तो इसमें MediaTek Helio G88 चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 12 नैनोमीटर पर रन करता है, 2GHz की क्लॉक स्पीड भी देता है। और सबसे बड़ा जो हाईलाइट फीचर्स है स्मार्टफोन का, वो दोस्तों है कैमरा। कैसे, सबसे पहले बैक की बात करें तो बैक का डिजाइन काफी प्रीमियम है, जिसमें 64 का मेन और 2 का डैश सेंसर। तो फ्रंट में दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलती है आपको एक 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, और वो सेल्फी दोस्तों डायनेमिक आइसलैंड वाले डिजाइन के साथ आती है। तो डिस्प्ले तो ऑब्वियसली काफी कमाल की है, क्योंकि आपको डिजाइन काफी अच्छा इसमें देखने को मिला है। और उसी के साथ दोस्तों अगर आधे फीचर्स की बात करें तो इसमें 5000mAh की एक पावरफुल बैटरी देखने को मिलती है विद 33V फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर और 1TB स्टोरेज एक्स्ट्रा एक्सपेंड भी करा जा सकता है SD कार्ड के जरिए। अब फीचर्स तो दोस्तों स्मार्टफोन के काफ़ी अच्छे हैं, और जो डिज़ाइन है वो काफ़ी प्रीमियम वाला है। कीमत की अगर इसकी बात करें तो 10,999 रुपये है 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। अगर आप नार्डो N55 को सोच रहे हैं तो इसी का रीब्रांड वर्जन है, वो अमेजोन पे आपको देखने को मिलता है। चाहे तो आप नार्डो सीरीज का फ़ोन ले लीजिए, चाहे आप C55 को ले लीजिए, एक ही है। दोनों स्मार्टफोन स्पेसिक्स वाइज, डिज़ाइन वाइज, या फिर किसी और आप जो दिमाग में आपके आ रहा हो। तो मेरे हिसाब से रियलमी C55 है लिस्ट का हमारा सबसे पहला स्मार्टफोन जो कि आपका 12,000 से कम की कीमत में आता है। अब दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के सेकंड बेस्ट स्मार्टफोन की। तो लिस्ट का सेकंड स्मार्टफोन दोस्तों हमारा है मोटोरोला की ब्रांडिंग के साथ, मोटोरोला G52। अब दोस्तों इस कीमत की अगर बात की जाए और मोटोरोला ना हो ऐसा तो शायद हो ही नहीं सकता। ये स्मार्टफोन दोस्तों इंडियन मार्केट में 25 अप्रैल 2022 को लॉन्च हुआ था, और आउट ऑफ द बॉक्स फिलहाल एंड्रॉइड 12 के ऊपर रन करता है और काम करता है स्टॉक एंड्रॉइड के ऊपर। क्लीन लेआउट, एकदम साफ सुथरा सा। उसी के साथ इसमें देखने को मिलता है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का 680 चिपसेट, जो कि 2.4GHz की क्लॉक स्पीड देता है, 6 नैनोमीटर प्रोसेसर रन करता है, गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। उसी के साथ आपको 6.6 इंच का एक OLED पैनल डिस्प्ले है विच 90Hz रिफ्रेश रेट, तो गेमिंग के मामले में ये भी आपकी काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि OLED पैनल है इसके अंदर। साथ ही इसमें बैक में कैमरे के 3 सेंसर हैं, जिसमें 50 का मेन है, 8 का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 का माइक्रो लेंस देखने को मिलता है। तो फ्रंट की बात करें तो वहाँ 16 मेगापिक्सल की पंच होल डिजाइन सेल्फी भी प्रोवाइड कराई गई है। कैमरा क्वालिटी भी स्मार्टफोन की काफ़ी अच्छी है। साथ ही 5000mAh बैटरी है, 33V फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 1TB स्टोरेज एक्स्ट्रा एक्सपेंड करी जा सकती है SD कार्ड के जरिए, साइड माउंट फिंगर स्कैनर है, और साथ ही डॉल्बी साउंड क्वालिटी का सपोर्ट भी इसमें देखने को मिल जाता है। इस कीमत में काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो दूसरे ब्रांड प्रोवाइड नहीं कराते हैं। कीमत की इसकी बात करें तो सेम है 10,999 रुपये 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। कीमत के मामले में देखा जाए तो फीचर्स काफ़ी अच्छे प्रोवाइड कराता है मोटोरोला का स्मार्टफोन, लेकिन आपका तीसरा स्मार्टफोन और अच्छा होगा, क्योंकि वो दोस्तों 5G स्मार्टफोन होगा। चलिए आखिरी स्मार्टफोन की बात करते हैं। इसका आखिरी स्मार्टफोन, जैसे कि दोस्तों मैंने कहा था एक 5G फोन है, तो आखिरी है हमारा पोको M4 5G। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन अब डिस्काउंट के बाद 12,000 से कम की कीमत में फाइनली आ चुका है। और दोस्तों ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में 5 मई 2022 को लॉन्च हुआ था। आउट ऑफ द बॉक्स से फिलहाल एंड्रॉइड 12 के ऊपर रन करता है, और साथ ही इसमें MediaTek Dimensity 700 आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। ये 7 नैनोमीटर पर ही रन करता है और 2.2GHz की क्लॉक स्पीड देता है। क्या आप इन चीज़ों को समझते हैं, नहीं समझते कमेंट बॉक्स में बताएं। एक दिन इस चीज़ के स्पेसिफिक इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है आपके स्मार्टफोन के प्रोसेसर में। उसी के साथ पोको M4 5G के अंदर आपको देखने को मिलती है 6.5 इंच की एक फुल HD+ डिस्प्ले विच 90Hz रिफ्रेश रेट और गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ। डिस्प्ले अच्छी है स्मार्टफोन की अगर कीमत के मुताबिक देखी जाए तो। साथ ही दूसरे स्मार्टफोन बैक में कैमरे के 2 सेंसर भी हैं, 50 का मेन और 2 का डैश सेंसर। फ्रंट में देखने को मिलती है 8 मेगापिक्सल की सेल्फी इन्फिनिटी वी डिजाइन के साथ। उसी के साथ दोस्तों 5000mAh की बैटरी है, 18V का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही इसमें साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है और 512GB स्टोरेज एक्सपेंड करी जा सकती है SD कार्ड के जरिए। कीमत की बात करें तो 11,999 रुपये है, 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज। फीचर्स भी कम है लेकिन 5G है, तो स्मार्टफोन की कीमत पूरे 12,000 रुपये आपको पे करनी पड़ेगी।
तो उस लिस्ट में ये टॉप थ्री स्मार्टफोन है। आप कोई सा भी स्मार्टफोन उठा के ले लीजिए, आपको वो बेस्ट क्वालिटी के साथ स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरी एक पर्सनल रेकमेंडेड स्मार्टफोन आपके लिए है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अगर मैं भी कोई स्मार्टफोन ले रहा होता तो मैं इन्हीं तीन में से कोई स्मार्टफोन परचेस करता अगर मैं फिलहाल कोई स्मार्टफोन लेता, क्योंकि स्मार्टफोन की मार्केट हर हफ्ते हर महीने बदल जाती है। फिलहाल इन तीनों से बेस्ट कोई भी नहीं है 12,000 से कम की रेंज में। आपको कौन सा स्मार्टफोन तीनों में से बेस्ट लगा इस बारे में दोस्तों कमेंट जरूर करें। मैं एक बात को रेकमेंड कर सकूं तो मेरे हिसाब से रियलमी का स्मार्टफोन यानी कि रियलमी C55 आपके लिए अच्छा रहेगा। वजह है उस स्मार्टफोन को लेने की, क्योंकि उसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा कैची है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा आपको। ज़्यादातर लोगों को डिज़ाइन और कैमरे से ज़्यादा मतलब होता है, मुझे नहीं लगता कोई और चीज़ देखते भी होंगे, लेकिन अगर आप सब चीज़ों को देखते हैं परखते हैं फिर स्मार्टफोन को लेते हैं तो मोटोरोला G52 की तरफ आप चली जाइए। प्रोसेसर की अच्छा है, कैमरा क्वालिटी उसकी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी कमाल की इसकी देखने को मिली है, खासकर उसकी जो डिस्प्ले है वो OLED पैनल है, तो और अच्छी बात है इस स्मार्टफोन की। बाकी 5G के लिए तो आप एक ही चॉइस है, पोको M4 5G वेरियंट, लेकिन आपको कौन सा लेना है दोस्तों इस बारे में कमेंट जरूर करें, आपकी राय ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। सो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे दोस्तों ऐसी को नई कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय एंड जय हिंद।